हाथरस कांड को लेकर यूपी में बवाल जारी है, जिसके चलते शुक्रवार सुबह हजरतगंज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को नियंत्रण से बाहर जाते देख लाठीचार्ज कर दिया और प्रदर्शन में शामिल पूर्व विधायक इंदल रावत समेत कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, जिस पर सपाइयों का कहना है कि प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है, योगी आदित्यनाथ से राज्य नहीं संभल रहा है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर ये जो हुकूमती सरकार है पूरी तरह से अंग्रेजी रवैया अपना रही है। हम अगर अपनी बात को कहीं ना कहीं जाते हैं तो उस पर हम लोगों को जबरन लाठीचार्ज कर दिया जाता है। क्या हम लोगों को इतना भी नहीं है कुछ की कि हम अपनी बात को नहीं रख पाए? ऐसी सरकार लेके हम क्या करेंगे? उस दिन हाथरस की घटना को अगर रात में 2:30 बजे जला दिया जाता पुलिस प्रशासन के द्वारा, क्या हम लोग अपनी बात को इतना भी नहीं रख सकते? हम मांग करते हैं कि सरकार से, अभी मेरे साथ बहन गए, उसको जबरन नीचे घसीट के लाया गया और चोट खा गई है, इसका जिम्मेदार कौन है? इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद रही है प्रदेश के अंदर। फिर योगी आदित्यनाथ जी के सह पर यह सब कुछ हो रहा है। पुलिस के हाथों में आज अत्याचार के डंडे हैं, कोई भी निष्पक्ष नहीं है, सत्ता के सब पंडे हैं, आज पुलिस के हाथों में भी अत्याचारी डंडे हैं। तो यह पुलिस के बल पर विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की जा रही है, जुल्म की इंतहा पार कर रही है योगी सरकार। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।